वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं इस वक्त श्रांका जी के ऑफिस में बैठी हूँ और आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं। फिलहाल हम उनका वेट कर रहे हैं, वो कुछ ही देर में हमारे बीच उपस्थित होंगे और उनसे हम कुछ बीकानेर की कुछ बातें करेंगे और नवरात्रा से रिलेटेड उनकी विशेस लेंगे और हम उसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक इंटरनेशनल बीकानेर फर्स्ट इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर्स चेस चैलेंज हो रहा है जिसमें 15 कंट्रीज के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बस कुछ ही देर में वो हमारे बीच होंगे और हम उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे उनके बारे में। वो एक महान शख्सियत है जिनसे आपका परिचय करवाने वाली हूँ मैं, तो स्टे ट्यून्ड। हम्मा घड़ी बीकानेर 95 FM तड़का पे आपका स्वागत है। राजस्थान पत्रिका की तरफ से मैं हूँ आरजे चिंतन, दिल से देसी, और आज हम जिन शख्सियत के साथ है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि जो आप यहाँ पधारे। थैंक यू सो मच सर। महावीर रांका जी अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है जिनसे हमें सौभाग्य मिला है बात करने का। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम आपसे चाहते हैं आप नवरात्रा के उपलक्ष्य में, जैसे कि कल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बीकानेर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सभी बीकानेर वासी सभी को पहले नवरात्रा की एडवांस में शुभकामनाएं, और मैं सभी को कहूंगा कि ये जो त्योहार है ये बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। सभी जो जो जिस माता को पूजते हैं उनकी पूजा करें, और ये साल में दो बार सभी हिंदुओं को ये मौका मिलता है कि इस त्योहार को हर्षोल्लास से। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल। और सर मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि आज है डॉटर्स डे, तो सर बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बीकानेर की? मैं सबसे पहले, मेरे भी 3 बेटियां ही हैं, और मैं सभी उन बेटियों वाले पिता को और माता को भाग्यशाली समझता हूँ जिन्होंने बेटी को जन्म दिया है, और सभी बेटी होने पे खुशी मनाएं, और जैसे बेटे का फंक्शन करते हैं वैसे ही बेटी का करें। बहुत सही बात बोली सर आपने। सर एक जो एक गंभीर मुद्दा अभी बीकानेर में चल रहा है लंपी स्किन डिजीज के बारे में, हमारी गाय माताओं को इतना कुछ सफर करना पड़ रहा है सर, इसके बारे में मैं छोटा सा आपसे एक टिप्पणी लेना चाहती हूँ। मैं बीकानेर वैसे सेवाभावी जगह है, यहाँ कोरोना के टाइम में भी बीकानेर वासियों ने बहुत सेवा की है, और अभी भी बहुत से संगठन ऐसे हैं जो तन से मन से धन से गायों की सेवा कर रहे हैं। आप जगह जगह देखो कैंप चल रहे हैं। बीकानेर में पर्टिकुलर शहरी क्षेत्र में बहुत से कैंप लगे हुए हैं और लोग सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सुनते रहिए 95 FM तड़का, अपनी सुनो। सर से कुछ बात करते हैं, एक पर्सनल मैसेज सर हमें देना चाहते हैं, प्लीज आइए। इनका जो यूट्यूब चैनल है चिंतन असोपा ब्लॉग्स, उसको शेयर करें और सभी से जुड़े। थैंक यू सो मच सर।